हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इंस्टाग्राम में एक न्यू अपडेट आया है। एंड दोस्तों, वहाँ पर जब आप चैटिंग वाले सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पर पूरा वो चेंज हो जा रहा है, एंड वो अपडेट के बाद ही हो रहा है। एंड दोस्तों, वो अपडेट बहुत सारे लोगों को एक बार वहाँ पर क्लिक करने के बाद हट जा रहा है, तो दोस्तों वो फिर से दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप वहाँ इंस्टाग्राम में की सेटिंग में जाकर उसको अपडेट कर सकते हो। एंड दोस्तों, मेरी एक कल वीडियो आई थी जिसमें वो दोस्तों आपकी सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थे, एंड मैंने उसको कल पब्लिश किया, जिसमें मैंने बताया था कि आप रियलमी या ओपे या किसी भी जिस भी फ़ोन में लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन है, आप उसमें अपने इमेज को लॉक स्क्रीन मैगजीन पर कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा दोस्तों, जो इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आया जिसमें चैट सेक्शन को पूरा चेंज किया गया, उसमें थीम कलर सब कुछ, उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, मैंने ये देख सकते हो दोस्तों मेरा अभी आप इंस्टाग्राम को, एंड दोस्तों बट सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम को दोस्तों अपडेट कर लीजिए। आप अपने दोस्तों इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर को ओपन करिए, एंड प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च करके आप अपने प्ले इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर पूरा अपडेटेड है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने इंस्टाग्राम में ओपन करके दिखाता हूँ कि आप वो अपडेट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। एंड दोस्तों, आप ऊपर का साइन देख सकते हो, यहाँ पर वो अभी चेंज नहीं हुआ, मैसेंजर जैसा नहीं हुआ है दोस्तों। एंड वहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा चैट सेक्शन भी पुराना जैसा, एंड बहुत सारे लोग अपडेट करने के लिए वहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार उस पेज को, तो वहाँ से अपडेट नहीं मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको बैक आना है, आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, एंड देन आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। एंड उसके बाद तो आपको अपडेट मैसेजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपको पढ़ लेना है दोस्तों, यहाँ पर आपको चैट और कलर चेंज कर देगा, इमोजी के साथ रिएक्ट कर सकते हो, स्वाइप डाउन मैसेज, ये दोस्तों अपडेट कुछ सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा होगा तो कंटिन्यू पर उसको तो आपको क्लिक कर देना है सिंपली से। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनिश सेटिंग अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारा वो अपडेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एंड अब हम उस अपडेट का ये मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम अगर हम यहाँ चैट वाले पे क्लिक करते हैं सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर किसी को भी मैसेज करते हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर शाहरुख खान का जो दोस्तों सेकेंड नंबर को बर्थडे था तो मैंने विश किया था। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ से चेंज थीम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको थीम को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो थीम का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे को थीम्स में यहाँ पर लव टाइड डाई मोनोक्रोम हेलोविन का ऑप्शन मिल रहा है चारों को, बट दोस्तों यहाँ पर कलर एंड ग्रेडियंट में यहाँ पर आपको चार मिल जा रहा था। अगर मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर रोज़ लेता हूँ, तो यहाँ पर रोज़ मैंने जैसे ले लिया दोस्तों। एंड यहाँ पर अगर मैं इनको कोई भी मैसेज करूँगा, हाय मैंने अगर लिख के मैसेज करूँगा, तो ये यहाँ से रेड होकर जाएगा, एंड उनके पास जो मैसेज आएगा वो वहाँ पर वाइट शो होगा, एंड वो जो मैसेज करेंगे यहाँ पर मुझे वाइट शो होगा। एंड दोस्तों, अब देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों मैसेज का कलर तो चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर थीम पर जाकर। यहाँ पर आप कोई भी यहाँ से अगर रॉकेट मैंने चूज़ किया, एंड यहाँ पर वापस से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों हाई लिख कर भेजूँ, तो ये देखिए दोस्तों वो कलर जो आप मैसेज कर रहे हो उसका चेंज होगा। बट दोस्तों यहाँ पर थीम में कुछ बैकग्राउंड में दोस्तों कुछ चेंजेस नहीं हो पा रहे, तो वो दोस्तों आप कैसे कर सकते हो। तो वापस से दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थीम पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, वो जो चेंज कर रहे थे हम अभी तक, वो चैट का कलर या ग्रेडियंट को चूज़ कर रहे थे, आप कैसे भी कलर को चैट जो आप कर रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपका मेन जो थीम है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम हेलोविन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हेलोविन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये जाली का मकड़ी हो गया है, एंड ये जाल जैसा हो गया है। एंड यहाँ पर अगर आप मैसेज भी करते हो कुछ भी, तो यहाँ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, एंड मैसेज का कलर भी चेंज हो जा रहा है, एंड यहाँ पर जो कैमरा का लोगो है वो भी दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोस्तों पहले जब आप डबल टैप करते तो यहाँ पर, तो डबल टैप करते तो दोस्तों यहाँ पर लव का रिएक्ट हो जाता है आप देखते हैं दोस्तों। बट दोस्तों अगर आप इस पर टैप एंड होल्ड करके रखोगे, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हा हा वाओ सैड एंग्री ऐसे आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर बहुत ही बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके ये कर सकते हो दोस्तों, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर ये
हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप व्हाट्सएप में दोस्तों या फेसबुक में किसी मैसेज को स्वाइप डाउन करके अगर आप ये करते, तो मैं यहाँ पे एक अपने फ्रेंड का मैसेज को देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने मेरे बर्थडे के दिन मुझे विश किया था। तो अगर आप इसको स्वाइप करोगे ऐसे, तो आप इसी पर्टिकुलर मैसेज का आप आंसर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थैंक यू भाई लिखकर अगर सेंड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू जो मैंने वो ये मेरे भाई ने मैसेज किया था, तो उसी पर्टिकुलर मैसेज का मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया है। तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप में या मैसेंजर में करते, तो आपको उस मैसेज को पकड़ कर बस स्वाइप करना है राइट की तरफ, एंड वो आप उस पर्टिकुलर मैसेज का ये रिप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैंने आपको हेलोविन थीम दिखा दिया है, एंड यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों मोनोक्रोम एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मोनोक्रोम दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड में तो कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो आप मैसेज कर रहे हो वो वाइट एंड ब्लैक हो जा रहा है शायद से, तो ये एक फ़र्क है। एंड मैं आपको एक बार वापस टाइट डाई ब्लू वाला हो जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया ब्लूइश टाइप का हो गया है। तो यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं दोस्तों यहाँ पर अपने भाई के इस मैसेज चैट में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर लव मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पूरा लव जैसा हो गया है। मैं आप जो मैसेज करोगे इधर से वो आपका पिंक होकर जाएगा, एंड उधर से जो भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी मैसेज करता है तो ये यहाँ पर वाइट कलर का होगा। तो ये लव वाला दोस्तों अच्छा थीम है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में नीचे में दे रहा है चेंज थीम, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली चेंज थीम को कर सकते हो। एंड दोस्तों अब बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों और भी एंड सबसे ऊपर में मैं अभी अब दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर इनका प्रोफाइल में कितने फॉलोवर्स है, शाहरुख खान के 23 मिलियन फॉलोवर्स, इन्होंने कितने पोस्ट की है, हम मैं इनको कब से फॉलो कर रहा हूँ, तो ये भी आपको बता देगा कि आप किसी पर्सन को कब से फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव फॉलोड द इंस्टाग्राम अकाउंट सिंस 2018, मैं 2018 से शाहरुख खान को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। एंड व्यू प्रोफाइल पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ तरह आप उनको प्रोफाइल में ऑफिशियल अकाउंट में भी चले जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पर उनका पोस्ट भी जो है कल रात को या आज सुबह में आया था, जो उनका कल बर्थडे था। तो दोस्तों ये है कुछ फीचर्स। एंड दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी फेसबुक फ्रेंड को भी यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो तो वो आपके यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने एक फेसबुक फ्रेंड का सर्च करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर VIKASH विकास MISH और मेरा एक दोस्तों फ्रेंड है, तो वो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फेसबुक फ्रेंड यहाँ पर वो मेरा सबसे ऊपर में आ गया। एंड यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से भी डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ हाई लिख कर, या फिर मैं अगर आपका दोस्तों फेसबुक लॉगिन रहेगा आपके फ़ोन में, तो अगर आप यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपको फेसबुक में उसके प्रोफाइल पर लेके चल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इसके मेरे जो फ्रेंड है उसके प्रोफाइल पर ये आ गया है। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट है इंस्टाग्राम की तरफ से, एंड मुझे ये अपडेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे, एंड मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों इस अपडेट से रिलेटेड। आप थीम कैसे चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट का जो कलर है वो कैसे चेंज कर सकते हो। एंड ये अपडेट दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ये जो कैमरा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप फोटो शेयर कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के लिए मिलता है, यहाँ पे गैलरी से आप चाहो तो कोई इमेज को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप GIF आप कोई भी उसको भेज सकते हो। यहाँ पर आप एक रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली और न्यू क्विक रिप्लाई जो होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक हर्ट्स भी भेज सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर एक सेल्फी स्टिकर का भी ऑप्शन है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, सेल्फी के साथ अपना स्टिकर को भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स थे जो यहाँ पर ऐड किए गए इंस्टाग्राम में न्यू अपडेट के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छे लगे होंगे, एंड दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा यूज़र नेम है @AMVISAL_18, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।